आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के तहत आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के दौरान विस्थापन का दर्द झेलने वाले लोगों की याद में ये दिन मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से एक दिन पहले हुए भारत के विभाजन और उस त्रासदी में मारे गए और पीड़ित लाखों लोगों की याद में बीजेपी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूली बच्चों को संबोधित किया। जो टुकड़े हमसे बिछड़े हैं, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, वो सुखी नहीं है। वहाँ एक तरह की अराजकता है, वहाँ लोग परेशान हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पुनः जो अखंड भारत का स्वरूप था वो देखने को मिलेगा। 14 अगस्त 1947 का दिन याद कर रहे हैं, जब बड़े पैमाने पर देश के बंटवारे के आधार पर लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, उनका शरीर छूटा, घर परिवार संसार छोड़कर के व्यक्ति के साथ केवल सनातन धर्म की संस्कृति को बचा करके लोग आए। आज के अवसर में सबको स्मरण किया। मई रेलवे विभाग ने भी विभाजन विभीषिका दिवस पर डीआरएम कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विभाजन की विभीषिका स्मृति प्रदर्शनी लगाई गई। मैंने वचन किया, आजादी में भाग लिया और भाग लेने के बाद वचन को भी आजाद करवाया। हम लोग मिटों को भी जाते थे, जलते में जाते थे, रूपों में जाते थे। एक मतलब हम लोगों ने फेंक दिया, पानी के झंडे थे और झंडे चढ़ा दिया। अब कपड़े दिन में काम करते थे, अभी वहाँ झंडा चढ़ाया तो वहाँ पुलिस आ गई, हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके थाने ले गए, वहाँ मारपीट करी उन्होंने हमें। दो लोग थाने में रखा, थाने में रखने के बाद दो महीने हम जेल में रहे, ताकि वही सब लोग झंडा थे। उन्होंने हमको आजाद से आजाद करवाया। जब हम आजाद वहाँ पे हुए तो उन्होंने हमारे ऊपर केस लगा दिया। हमने केस भी लगा, दो साल केस लगा। केस लगने के बाद भर्ती हुए, तो हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने प्रदर्शनी आयोजित कर ली है, जिससे कि यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं उनको ये इसका आभास हो कि हमारे जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, साथ साथ विभाजन भी हुआ था, उससे कितनी त्रासदी हुई थी, लोगों को कितना जान माल का नुकसान सहना पड़ा था। तो इसका तात्पर्य ये है कि लोग इससे सीख लें। और रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।